दोस्तों, कंगना रनावत ने बताया है कि एक ऐसा यूट्यूबर जिसको 65 लाख रुपीस मिले हैं झूठ को फैलाने के लिए। बात उस वक्त से शुरू होती है जब कंगना रनावत सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए लड़ रहे थे और उसके बाद बायकॉट बॉलीवुड और नेपोटिज्म जैसे नारे इस देश में बाहर आ रहे थे। उस वक्त एक ऐसा यूट्यूबर है जो हमेशा अर्णव गोस्वामी के अगेंस्ट बात करता है, रिपब्लिक टीवी के अगेंस्ट बात करता है या फिर बीजेपी के अगेंस्ट बात करता है। उसका नाम है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी पे ये इल्ज़ाम है, कंगना रनावत ने ये लगाया है और बिना नाम लिए हुए लगाया है। लेकिन कहते ना कि जो इंसान गलत होता है वो खुद सफाई झाड़ने सामने आ जाता है और वो ये प्रूफ कर देता है कि मैं यही हूँ वो इंसान जो ये काम कर रहा हूँ। तो ध्रुव राठी ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारा, कैसे वो मैं वीडियो के आगे बताऊंगा आपको। एक पत्रकार और फिल्म मेकर एरे कैथरर जब ये एक ट्वीट करता है तो उसके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कंगना रनावत जी ये कहती हैं कि वाह, कुछ ऐसे भी यूट्यूबर हैं जो 60 लाख रुपए लेकर के झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्रुव राठी पे ये इल्ज़ाम है कि उनको बीएमसी ने 2018 में घर को डिमोलिश करने के लिए नोटिस भेजा था, ऐसा ध्रुव राठी का कहना है और उन्होंने अपने वीडियो में खुलकर यह चीज़ बोला है। लेकिन कंगना रनावत ने यह बोला है कि लीगल मैटर्स पे कोई इतना खुल करके कैसे बात कर सकता है, और इतना बड़ा यूट्यूबर, छोटा मोटा यूट्यूबर नहीं है, बहुत बड़ा यूट्यूबर। तो इस चीज़ पे आपत्तिजनक जताते हुए कंगना रनावत बोलती हैं कि वो इंसान ऐसी बात कैसे कर सकता है बिना पैसे मिले हुए। दोस्तों, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। कहते हैं ना, चोर के दारी में तिनका। जब आप सही हो तो उस चीज़ पे रिएक्ट नहीं करोगे, लेकिन आप लगता है कि हम गलत हैं तो उस चीज़ पे जा कर के रिएक्ट करने की कोशिश करोगे। ध्रुव राठी ने वही गलती की, जब एरे कैथरर के ट्वीट के जाकर के ऊपर इन्होंने रिप्लाई कर दिया और उन्होंने ये कहा कि मेरे बारे में कैसी वाहियात बकवास न्यूज़ फैलाने की कोशिश की जा रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और अगर एक वीडियो का मुझे 30 लाख 60 लाख रुपए मिलने लगे तो मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। और बात रही तीसरी कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के मैं कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं किया हूँ। दोस्तों, ध्रुव राठी को आप लोगों ने भी कभी ना कभी देखा होगा, कभी ना कभी सुना होगा और ये इंसान हमेशा अर्णव गोस्वामी के विपक्ष में बात करता है, बीजेपी के विपक्ष में बात करता है। ध्रुव राठी का यह भी कहना है कि मुझे वाई प्लस सिक्योरिटी क्यों नहीं मिलती है, कंगना रनावत को क्यों मिल जाती है। आप कभी भी अपने आप को कंगना रनावत से कंपैरिजन कैसे कर सकते, वो तो 100 करोड़ की मालकिन है। और आप इनका ये कहना है कि उन्होंने थोड़ा सा ये कह दिया कि मेरे जान को खतरा है और उनको वाई प्लस सिक्योरिटी मिल गई, तो ध्रुव राठी कहते हैं कि मुझे भी जान का खतरा है, मुझे भी वाई प्लस सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सबसे पहले मुझे तो ये पता नहीं कि ध्रुव राठी कौन सी दुनिया में रह करके बात करता है, लेकिन ऐसी टिप्पणियाँ करना, ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल बातों पे बयान देना जिनके बारे में आपको थोड़ी और रिसर्च करके बात करनी चाहिए, ये शोभा नहीं देता आपको। दोस्तों, ध्रुव राठी के इन सारे बयान पे आप लोगों की क्या सोच है, आप अपनी सोच ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे कंट्रोवर्सी से दूर रहें ध्रुव राठी, जिससे कि इस देश में आपके प्रति क्रूरता फैले। और हाँ, अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर हैं तो देश के प्रगति के रूप में बात करें, देश को तोड़ने की बात ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आशीष राठौर विदा लेता हूँ, एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक दीजिए इजाजत, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।